हमने देखा कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन लोगों ने एक बिल्कुल झूठी और फर्जी एफआईआर दायर की। उसके आधार पे इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी। रेड पूरा दिन चलती रही, मेरे ख्याल से 14 घंटे के करीब रेड चली। मनीष सिसोदिया जी के घर में सारे गद्दे, दीवारें, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला, एक भी कोई कैश नहीं मिला अनअकाउंटेड, कोई जेवर नहीं मिले, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई जमीन के कागज, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज दस्तावेज कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि ये क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत शानदार काम किया। फिर हम सोच रहे थे क्यों किया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को, नीचे करो यार कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस ख़त्म कर देंगे। मैं समझता हूँ मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस ख़त्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफ़र ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलएज के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलएज को, एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इनके इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं, ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये जवाब पूछ रहे हैं।